नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार 4.25 लाख से ऊपर नए केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब देश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बता दें कि देश में 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 4,01,993 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,523 मरीजों की जान चली गई है इस दौरान। और इस तरह से अब तक देश में 2,11,853 मरीज कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,91,64,969 हो गई है। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि बीते दिन करीब 3 लाख लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस रिकवरी के बाद देश में अब तक 1,56,84,406 मरीज ठीक हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 24 घंटे में 27,44,485 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और जिसके बाद अब वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,49,89,635 पर पहुंच गया है। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते आज से शुरू हो रहे 18+ वैक्सीनेशन अभियान को भी झटका लगा है। कई राज्यों ने वैक्सीन न होने की वजह से इस अभियान को रोक दिया है, और राज्यों का कहना है कि जैसे ही उन्हें वैक्सीन मिलेगी वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वैक्सीन के अलावा भी अगर और उपकरणों की बात करें, जैसे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर आदि की, तो रोज 4 लाख के करीब नए मामलों ने सिस्टम को हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, और इसी की वजह से कई मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बता दें कि इस समय देश में ऑक्सीजन, दवाइयों और वेंटिलेटर की भारी कमी है। हालांकि विदेशों से भारत को मदद जरूर भेजी जा रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में नए केस आने से अब अस्पतालों का सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। तो कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिली है। वैक्सीनेशन अभियान जिसके तहत रुक गया है, क्योंकि राज्यों ने ये बात कही है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, जिसके तहत वो वैक्सीनेशन अभियान को कंटिन्यूस रख सकें, क्योंकि आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, और केंद्र सरकार द्वारा इस कड़ी में महाअभियान चलाए जाने की बात कही गई है। तमाम सारे राज्यों में ये महाअभियान शुरू हो चुका है, लेकिन तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की कमी के चलते उन राज्यों ने कहा है कि अभी वैक्सीनेशन का ये महाअभियान में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये चीज़ जरूर कही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस वैक्सीनेशन अभियान में वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो इस कड़ी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कई स्थानों पर कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है, और राजस्थान में 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हेल्थ व्यवस्था के जर्जर सिस्टम को एक बार सामने लाने का काम किया है इस कोविड-19 ने, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य की कमी से, चिकित्सा की कमी से जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला मामला है, और लगातार सिस्टम की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कोविड-19, क्योंकि बेड लोगों को मुहैया नहीं हो रहा, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही, वेंटिलेटर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मारामारी मची हुई है, लोग लाइनों में खड़े हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राहुल अनंत जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आएंगे राहुल अनंत जी, जिस तरीके से ये जो सिस्टम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीरें, राज्य कोई भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि वो हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, जो लोग भटक रहे हैं दर दर, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तमाम सारी समस्याएं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइन में कतारों में लोग खड़े हैं, ये मुझे लगता है कि हेल्थ सिस्टम को के पोल को खोलने में बिल्कुल सकारात्मक भूमिका निभा रही है।
कि अगर हमारे देश की अगर आबादी पे आप ध्यान देंगे वो 135 करोड़ के ऊपर है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर बड़ा संकट, अगर आपके राष्ट्र पे कोई बड़ा संकट आता है तो आपकी सरकारों द्वारा कोई किसी प्रकार की गई तैयारी वो हमेशा कम पड़ जाती है। क्योंकि अगर अगर आप बात करेंगे तो एक बहुत पुरानी उपन्यास है जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था गोदान में, उसमें लिखा था कि सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख दुख तो आए तो साथ बैठ के काट लेना। लेकिन हमारे यहाँ का ऐसा सिस्टम है, दुर्भाग्य है, मैं इससे आपकी जरूर सहमत हूँ कि जो अव्यवस्थाएं दिख रही है, लेकिन उसमें जो अव्यवस्थाएं दिख रही है उसमें सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं। आपने देखा होगा जो आंकड़े आए हैं, 85% आंकड़े ऐसे हैं जो ये साबित करता है कि घर पे रहकर लोग अपना इलाज कराकर स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन जो 15% जो आंकड़े हैं उसको लेकर अगर बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा आपके ध्यान को इधर केंद्रित करना चाहूंगा कि अब 14 करोड़ से ऊपर लोगों को टीका लगाया जा चुका है, तो सरकार ने चरणबद्ध तरीके से जो टीके लगाने की बात की थी उसमें, और इसमें अहम बात यह है कि जिस प्रकार से संसाधन उपलब्ध है हमारे देश में उस आधार पर ये संतोषजनक आंकड़े हैं। और विभिन्न कंपनियों को भी सरकार के माध्यम से आदेश दिया गया है कि आप टीका बनाएं, और अन्य देशों से भी टीका मंगाया जा रहा है हमारे देश में, सिर्फ इसलिए मंगाया जा रहा है कि युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा सके। और जो कोरोना का जो लहर है इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो डर गए हैं, जो डर के फोबिया से ग्रसित है, समझ में ठीक है, समझ गए आपकी बात को, क्योंकि लोग के जहन में बैठ चुका है कोरोना है कोरोना है, वो डर उनको ज्यादा खाया जा रहा है, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। ईशान त्यागी जी, आपने सुना कि जिस तरीके से राहुल जी ने गोदान का जिक्र किया और कहा कि उसमें पंक्तियां लिखी हुई हैं कि अगर मुसीबत की घड़ी आई तो उसको डट करके सामना करना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है। हमारे जो राजनेता हैं वो तमाम सारे नामों का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वही राजनेता उन पदचिन्हों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने का काम करें तो लगता है कि तस्वीर कुछ और होगी भारत की, गलत कह रहे हैं? क्या बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर राहुल जी ने गोदान में से कुछ पढ़ाया तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और केंद्र सरकार के लिए जो जितने भी उनके मंत्री हैं उनके लिए मैं दो लाइन पढ़ देता हूँ। मैं भी वो इसी शाख पे बैठे हैं बड़े मुतमईन मिजाज से, गर शजर में आग लगी तो फकत उड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बड़े मुतमईन होके प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि कोरोना के विरुद्ध हमने जीत प्राप्त कर ली, हमारे देश ने जीत प्राप्त कर ली है। लेकिन जैसे ही फिर से आग लगी, मतलब कि जैसे कि सेकंड वेव आई, वो बिल्कुल गायब हो गए, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उससे भाग उठे वो। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात इस टाइम देश में चल रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए मैं तीन बात आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि जब यूनिसेफ ने मदद देने की कोशिश करी भारत को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मना कर दिया। क्या दिक्कत थी? उनके पास स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से वैक्सीन वितरण करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, उनके पास पूरा गाइडलाइंस होती है। तो यूनिसेफ से मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात यह कि वैक्सीन की बात करी राहुल जी ने, देखिए वैक्सीन आज दिल्ली में, मैं रहता हूं दिल्ली में, तो शुरू नहीं हुई है वैक्सीन। अब आज केजरीवाल जी ने बोल दिया कल कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है ही नहीं। तो वैक्सीन की जब आपके पास कमी थी, आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेस थी ही नहीं, तो आपने क्यों पूरे देश से ये वादा कर दिया टीवी पे आके कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे? क्यों ये झूठा वादा किया गया? तीसरी चीज राहुल जी ने बोली आबादी की। मैं मानता हूं हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ से ऊपर है, लेकिन जब 135 करोड़ से ऊपर की देश की आबादी में 1 लाख केसेस आए थे वेव वन में, तब यही सरकार बोल रही थी कि हमने देखिए कोरोना को कंट्रोल कर लिया, हमारे देश में कोरोना वायरस नहीं आ पाया, क्योंकि सरकार ने इतने बड़े देश होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया। तो देखिए अगर आप वो श्रेय ले रहे हैं
तो ये वाला ब्लेम भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। ब्लेम लेने से मत भागिए, अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। तो ये तीन बातें मैं राहुल जी को बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे अगर तारीख एग्जैक्ट याद है तो शायद वो 28 जनवरी थी, और इसी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाओस का में एक सम्मेलन हुआ था दाओस को लेकर के, जिसमें वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हुए थे, और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी कि बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा ये बात कही जा रही थी कि भारत में महामारी का प्रकोप बढ़ेगा, भारत में इतने लोग मरेंगे, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत ने नियंत्रण पा लिया है। और आने वाले समय का भी उन्होंने जिक्र किया था कि दूसरी लहर आएगी, उस पर भी उन्होंने अगर ये कहें तो तंज कहा था, तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय बेहद भयावह होने वाला है। और आज देश जो है दुनिया के सबसे शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है मामलों के निकलने, जिस तरीके से कोरोना के मामले निकल रहे हैं। और राहुल जी आपको बता दें कि WHO का एक मापदंड है, आपने जो ये जिक्र किया कि आते हैं ईशान जी आपके पास आएंगे, आपने आबादी का जिक्र किया तो WHO का एक मापदंड है, WHO के अनुसार 1 करोड़ की आबादी में कम से कम 10,000 डॉक्टर्स होने चाहिए। भारत की तस्वीर बिल्कुल उलट है, भारत में 8,000 से भी कम डॉक्टर्स 1 करोड़ की आबादी में मिल पा रहे हैं, और जबकि अन्य देशों का अगर जिक्र किया जाए तो 10,000 के पार डॉक्टर्स मिलते हैं। क्या कहेंगे आप, किसको दोष, किसको कोसेंगे आप? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं कोसूंगा, मैं आपके बातों का तार्किक जवाब देना पसंद करूंगा। जी बताइए। सबसे पहले मैं ईशान जी की बातों को केंद्रित कर दूं, उन्होंने जो बातें की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जीत प्राप्त कर ली है, हमने निश्चय ही जीत प्राप्त किया है, क्योंकि जहां से चाइनीज वायरस का उपज हुआ था चाइना से, उसने आज तक अपने देश की जनता के लिए संतुष्टजनक वैक्सीन का निर्माण नहीं किया, और भारत ने 1 साल के अंदर अपने वैक्सीन को निर्माण कर लिया था। पहली बात ये हमारी जीत है, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। और वर्षों से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे देश के अंदर, वो रातों रातों नहीं बदली जा सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद जब बजट जारी किया गया था तो उस बजट में स्वास्थ्य को लेकर भी बातों पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और मैं आता हूं, जब हमने 69,000 करोड़ का बजट आपने पेश किया, 69,000 करोड़ क्या होता है देश के लिए साहब? मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में पूरी होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, फिर आप अपने सवाल कीजिएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पीपीई किट, मास्क, वैक्सीन बनाने में हमने सफलता हासिल कर ली 1 साल के अंदर, जब हम किसी दूसरे देश पे आश्रित रहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महामारी से लड़ने में हमारे और आपके भी दिनचर्या को भी समझना होगा। मैं बात कर लेता हूं आपको, लेफ्ट लिबरल गैंग की भी बात कर लेता हूं, किस तरह से वो सक्रिय है, इसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित कर देता हूं। इसका एक छोटा सा उदाहरण यही काफी होगा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पैट कर्मिस और ब्रैट ली ने पीएम केयर फंड में जब पैसा दिया था तो लेफ्ट लिबरल जो गैंग है उसने इसका विरोध किया था कि आप क्यों दे रहे हैं, ये भाजपा के लोग चुनाव प्रचार में खर्च करेंगे। मेरी बात को पूरी होने दीजिए, ये वही चीज है कि जब 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की गई थी, जिसमें से 33 लग भी चुके हैं और अन्य राज्यों को जिम्मेदारी भी बांट दी गई थी, उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं लगाया। लेकिन सरकार की अगर आप बात करें, केंद्र सरकार की, जब पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें 2-3 तरह की चूक हुई थी, मैं उस चूक को भी बता देता हूं आपको। सितंबर के बाद जब कोरोना के केस बहुत कम हो गए तो हम लोग गाफिल हो गए, हम सब लोग निश्चिंत हो गए, मान लिया गया कि कोरोना का फेज चला गया, जो बुरा दौर था हमने देख लिया। जनवरी आते आते तमाम विशेषज्ञ जब कहने लगे कि भारत हाई इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुका है, ये यहाँ के विशेषज्ञ कहते थे। पहली लहर के समय जब केंद्र सरकार की कितनी आलोचना की गई थी ये भी छुपी नहीं है। बहुत लंबा मत कीजिए राहुल जी, समय का इतना लंबा समय नहीं होता है, नहीं, तो बहुत लंबा मत कीजिए। आप मुद्दे पे आइए, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आइए, जो चर्चा हो रही है। 10 सेकंड में आ रहा हूँ योगेश जी, मैं 10 सेकंड में आ रहा हूँ। तो जब प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को ये आदेश दे दिया कि आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे और आप स्वतंत्र हैं, तो मुख्यमंत्री लोग किसका मुंह देख रहे थे, चाहे वो किसी का भी हो, मैं उसकी बात करता हूँ, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या गैर भाजपा शासित प्रदेश हो, लेकिन हर वक्त प्रधानमंत्री जी को कोसना ये कहां तक जायज है? आप बताइए, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है 2800 मैट्रिक टन की पहले आवश्यकता थी, अब उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, बिल्कुल, फिर भी लोग खड़े हैं। ठीक है राहुल जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे ईशान जी से, लेकिन उसके पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
इस स्थान से सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस स्थान से सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने गुरता गद्दी का तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी के कुल दे विचों भाई गुरदत्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान से ही माता गंगा जी सत्कार योग जिन्होंने इस स्थान से 5 भूतक श्री चागना किया। धन गुरु अमरदास जी के हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी की नींह रखी उसका नाम गुरु का चक रखिया अते बाद विच चक रामदासपुर अते अखीर अमृतसर साहब के नाम नाल मशहूर होया। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कारण सतगुरों का फरमान है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया न जाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। आप टेलीविजन पर यह सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। कोविड पर फतह जीतने के बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ था, जिस पर उन्होंने जंग जीत ली थी और उसके बाद लगातार कल से एक बार फिर से वो मैदान में उतर चुके हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। आज एक बार फिर से जिस तरीके से कल DRDO द्वारा निर्मित हॉस्पिटल का, कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और आज एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, टीकाकरण की ये शुरुआत हुई है, उसी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में एक बार फिर से उतरे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण के दौरान निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि तैयारियां किस तरीके से की गई हैं अधिकारियों द्वारा। और एक बार फिर से मुद्दे पर वापस आएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, ईशान त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक और राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। ईशान त्यागी जी के पास आएंगे। जिस तरीके से ईशान जी, आपने सुना भी कि राहुल जी ने जो आरोप लगाए कि एक दिन में तस्वीरें साफ नहीं हो जाती हैं, एक दिन में सब कुछ सही नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं आऊंगा राहुल जी के पास, लेकिन उसके पहले आपसे जवाब चाहूंगा। मैं 2-3 बातों पे आपके रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा राहुल जी की भी। देखिए, राहुल जी ने बोला कि एक दिन में कोई चेंज नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लेकिन पहली वेव से दूसरी वेव तक हमको कोरोना ने कम से कम 8 से 10 महीने दिए, ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक है। तो 8 से 10 महीने पर्याप्त समय था और आप देखें तो सितंबर और अक्टूबर में जो स्ट्रेन चल रहा है भारत में, वो सितंबर और अक्टूबर में विश्व में डिटेक्ट हो गया था और बाकी अन्य देशों ने भी जब अपनी अपनी इकोनॉमी को खोला था, अर्थव्यवस्था को खोला था, मार्केट खुले थे उनके यहाँ, तो सेकेंड वेव आई थी हमसे 6 महीने पहले, सेकेंड वेव आ गई थी उनकी। तो हमको कम से कम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के ये देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ भी तो सेकेंड वेव आएगी, क्योंकि हमने मार्केट खोले हैं, लोग थोड़ा सा अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव आएगी। ये काम सरकार का होता है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना, लॉजिस्टिक्स अरेंज करना, ये काम सरकार का होता है। देखिए, लोगों को आपको मॉरल ड्यूटी समझानी होगी आपको, लेकिन प्लानिंग और लॉजिस्टिक जो होगी इम्प्लीमेंटेशन वो सरकार को करनी होगी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि चाइना अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकाल पाया, तो शायद उनके फैक्ट थोड़ा सा मेरे को लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा कि साइनोवैक करके ऑलरेडी चाइना एक वैक्सीन निकाल चुका है और उसने भारत को ऑफर भी करी है। और तीसरी बात राहुल जी ने पहले बोली थी कि इन भारत को जो वैक्सीन है वो बाहर से भी वैक्सीन मंगवा रहे हैं। देखिए राहुल जी, भारत ऑलरेडी पहले से इतना आत्मनिर्भर था कि वो 60% वैक्सीन जो पूरे विश्व में प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो भारत बनाता था। भारत को बोलते थे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता था। उस भारत को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमको बाहर से वैक्सीन मंगवानी पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सरकार ने पहले भी वैक्सीन के जो ऑर्डर्स है वो नहीं दिए। वो वैक्सीन के ऑर्डर्स जब अन्य देश अन्य संपन्न देश पहले दे रहे थे, भारत की सरकार वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं दे रही थी, पहले ही देश ऑर्डर दे चुके थे। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं देखिए, कि टेस्टिंग करें, ट्रीटमेंट करें और वैक्सीनेशन करें। ठीक बात। अब आप देख लीजिए, मैं तीनों बात की आपको बता देता हूँ। देखिए, टेस्टिंग में किट्स भारत के पास नहीं है, अगर है भी तो क्यों कमी आ रही है, ये राहुल जी बताएं हमें कि क्यों कमी आ रही है, टेस्टिंग के रिजल्ट लेट क्यों आ रहे हैं, 72 घंटे क्यों लग रहे हैं टेस्टिंग के रिजल्ट आने में, 96 घंटे क्यों लग रहे हैं, कोई व्यक्ति कैसे 3 से 4 दिन अपना टेस्ट का वेट कर रहा है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट होगा ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन से, पर्याप्त आईसीयू बेड से, पर्याप्त वेंटिलेटर से, वो क्यों नहीं लगे 8 महीनों में 9 महीनों में। तीसरी बात, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन अगर आपकी वैक्सीनेशन थी हमारे पास, भारत विश्व गुरु था वैक्सीनेशन में, तो वैक्सीन के डोजेस कम क्यों पड़ रही हैं, दिल्ली जैसे राज्य में जहां पे वैक्सीन की इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां वैक्सीनेशन की ड्राइव क्यों नहीं शुरू हो पाई आज। ये 3 सवाल राहुल जी हमको बता दें, इसके जवाब दे दें। राहुल जी बताइए। पहले मैं इनको बता दूं कि इन्होंने जो एक बात कही है कि आपके देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और वैक्सीन का तो ये क्यों नहीं हुआ, बाहर से लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं इस पे इनको केंद्रित कर दूं। सबसे पहले कि अगर एक कंपनी एक महीने में अगर वैक्सीन बनाएगी तो 5 करोड़ 50 लाख के आसपास तक ही बना पाएगी, ये एक डाटा कहता है, ये अनुमान है, आप भी देख लीजिएगा। दूसरा, जो आपने बताई कि टेस्टिंग 72 घंटे में क्यों हो रही है, तो मैं इसके ऊपर भी आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था प्रारंभिक संबोधन में कि 85% लोग ऐसे हैं जो घर में ठीक हो जा रहे हैं स्वतः रूप से, जो एंटीजन टेस्ट पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए चले जा रहे हैं, और आरटीपीसीआर टेस्ट पे जाने के लिए मैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेता हूँ, तो वहां से टेस्ट करने के लिए जो व्यवस्था है वो दूर है, तो दूर भेजा जाता है, और शहरों का दबाव पहले से ही लैब के ऊपर है, तो उसके वजह से ये संभावनाएं बढ़ रही हैं, लोग एंटीजन कम आरटीपीसीआर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जिसके वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, जो 72 घंटे का जो समय लग रहा है इसी की वजह से आ रहा है। और आपने कहा कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल होगा, जब पहली बार जब वेव आया था तो उस समय हमने सीखा था, और हमने सीख कर अपने अपनी समीक्षा बैठक जब की थी सारे दलों के साथ बैठकर, तो राहुल जी इस बात से हम सहमत नहीं है आपके, आप कह रहे हैं कि हमने सीखा था, अगर सीख लिए होते तो आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। मुझे योगेश जी मेरे आपके प्रश्न का मुझे उत्तर दे देने दीजिए पहले। हाँ। ठीक है, हमने सीखा था उसको पहले मुझे पूरा बताने दीजिए। हमने क्या सीखा था, हमने पहले 2800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिया, अब हम उससे ज्यादा उत्पादन पे लगे हैं, हमारे पास 7500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है जो पर्याप्त है हमारे देश के लिए फिलहाल, और हमारे पास जितने प्रोडक्ट है ना, जो लोग बार बार कहते थे प्राइवेटाइजेशन कंपनी पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते थे, उनका भी रोल अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए, टाटा स्टील 200 से 300 टन महाराष्ट्र में जिंदल कंपनी की तरफ से 185 टन सप्लाई की जा रही है, जिंदल कंपनी उड़ीसा की तरफ से 50 से 100 मैट्रिक टन, हमारे पास व्यवस्था सारी है। कमी कहाँ है मैं उस पर आपको ध्यान ले आता हूँ, कमी है ऑक्सीजन को वातावरण से लेकर फिल्टर कर कंपनी में पहुंचाना, फिर कंपनी से वो कैरोजेनिक टैंकर में डालकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया होती है उसी में लेट आ रहा है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ किल्लत नहीं है, तो फिर भी समय को देख मैं बता रहा हूँ, समय को देखते हुए 50,000 टन बाहर से भी आए हैं, क्यों, क्योंकि जल्दी से जहां जरूरत है वहां पहुंचा दिया जाए, और सारे राज्यों को एक बार में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, ये भी एक घोर सच्चाई है जो मानना होगा, जितने राज्य हैं सब जगह किल्लत हो गई, और एक जगह से हर राज्य में भेजने में आपको भी पता है कि परेशानी आएगी, इसीलिए सरकार ने मद्देनजर रखते हुए जो 1 लाख मशीन खरीदने के लिए जो कहा है वो इसी का एक समाधान है। दूसरा, जो वैक्सीनेशन की जो बात कही गई है, तो वैक्सीनेशन पे भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के लिए जो हमारी आबादी है और आबादी के हिसाब से जो लोग जितना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर सरकार ने अपने आप को कहा है कि हम 4 से 5 दिन में देंगे, तो ये उनकी प्रतिबद्धता है कि वो कहां से देंगे, सरकार उसके लिए तैयार है, और जिस जिम्मेवारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ये सराहनीय है, और आज जो लोग मोदी सरकार को गिराने का नया टूलकिट का सपना देख रहे हैं
वो वही लोग हैं जो बार बार इसकी आलोचना कर रहे हैं, और किसी ने भी आज तक महत्वपूर्ण सुझाव क्या सरकार को दिया कि ये करना चाहिए वो हो सकता है, किसी ने नहीं दिया। केवल अमेरिका के प्रथम पृष्ठ पे भारत के शमशान घाट का फोटो छपवाना, इसी में उन लोगों को राहुल जी इस बात को लेकर के मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ आपके कि सरकार को विपक्षी दलों को अपना प्रपोजल देना चाहिए, सिस्टम में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए सारे विपक्षी दल एक अस्थायी कैबिनेट का भी निर्माण कर सकते हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ, जबकि अपने भारत देश में ऐसा नहीं होता है। अन्य देशों का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम सारे देशों में ऐसा होता है, लेकिन अगर विपक्षी दल पहल नहीं कर रहे हैं तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि सरकार एक बार ये पहल कर सकती है, सरकार कह सकती है विपक्षी से कि हमारी कमियों को आप बताइए। दूसरी बात, आप एक सवाल ले लीजिए राहुल जी, एक सवाल ले लीजिए, आप कह रहे हैं सिस्टम को एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, मैं कह रहा हूं आज की डेट में भारत का अगर सबसे कोई बेहतरीन हॉस्पिटल है तो वो एम्स है जो कि दिल्ली में स्थापित है, 1952 में बनना शुरू हुआ था और उस वक्त भारत के पास पैसे नहीं थे, पैसे न्यूजीलैंड से आए थे और कोलंबिया प्लान बनाया गया था, एक चार वर्ष में 1956 में तैयार होकर के खड़ा हुआ था और आज भी सबसे बेहतरीन हॉस्पिटलों में एक है, उसकी सुविधाएं देखिए आप, और तमाम सारी जगह चाहे गोरखपुर का जिक्र करिए, वाराणसी का जिक्र करिए या अन्य जगह का जिक्र करिए, जो आप कह रहे हैं वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने एम्स दिए हैं, कितने चल रहे हैं भाई, और दूसरी बात अगर वहां से कोई निकल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका एडमिशन किसी तरह दिल्ली के एम्स में हो जाए। आप कह रहे हैं एक दिन में सिस्टम नहीं बदला जा सकता, आप 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो सुझाव दिए थे उसका इन्होंने किस तरह से जवाब दिया था वो भी लोग पूछ लीजिए राहुल जी से, राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी जवाब नहीं दिए, राहुल जी सुन रहे हैं, जवाब दीजिए राहुल जी। देखिए किसके किस पीएम के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एम्स बने हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ, फिर आप वही चीज गिनाने लगे, उसी चीज का मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल मैं वही कर रहा हूँ कि उन एम्स का क्या मतलब, जहाँ पर लोग एडमिट हों उसके बावजूद वो ये सपना देख रहे हो कि मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, दिल्ली वाले एम्स में शिफ्ट होना है। देखिए ये लोगों की एक मानसिकता है जो बनी है कि मुझे दिल्ली एम्स में जाना है, जबकि जब से 2014 से अब तक में 14 एम्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पटना है, गोरखपुर है, अन्य भी राज्य हैं जहां पे एम्स, 14 एम्स पिछले 7 साल के अंदर 14 एम्स बनाया गया है। और वो जो आप विश्वास की जो बात करते हैं वो विश्वसनीयता की बात होती है, तो वो विश्वसनीयता डॉक्टर के माध्यम से वहां खड़ा किया जा रहा है। अभी तो वो नए बने हैं तो नए एम्स को बनने में नए डॉक्टर्स जब वहां जाएंगे तो वो अपनी अपनी इलाज से लोगों को संतुष्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन कार्य नहीं हुआ है इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के प्रति अपने विश्वास को कायम करें और मजबूत बनाए विश्वास को। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी फैलती हुई नजर आ रही है, सरकार का ये फर्ज बनता है कि वह अपने हेल्थ सिस्टम को अभी भी सुधार ले, तो शायद अभी बहुत देर नहीं हो गई, लेकिन अगर यूं ही मौका रहा, ये यूं ही हालात रहे, तो आने वाले समय और भी हालात बिगड़ सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का यह वरसाया हुआ नगर श्री आनंदपुर साहिब 19 जून 1665 ईस्वी बिलासपुर के राजा दीप चंद की विधवा राणी महाराणी चंपा दे कोलों मुल खरीद करके इस नवे नगर की दातार सतगुरु जी ने नींह रखी। गरीब नवाज साहब जी ने इत्थे ही अपने
रिहायश के लिए मकान बनाए, होर बहुत सारे कितियां दे लोग भी इस नगर दे विच वसाए। इस स्थान ते श्री गुरु तेग बहादुर जी दे शीश दा संस्कार होया सी। इस स्थान ते बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा सुभायमान है, गुरुद्वारा का शीश ग्रंथ साहिब जी। ग्यारह नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी होंदी है अते उन्हां दा शीश भाई जैता जी पड़ा दर पड़ा हुंदे होए गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे पहुंचदे हन अते इत्थे उन्हां दा संस्कार किया जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी इस गल दी मिसाल हन कि जदों मजलूमां दी राखी करनी पई चाहे ओ किसे भी धर्म दे क्यों ना होन तां उनां दी मदद करन तों पिछे ना हटो। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने हिंदू धर्म दी राखी लई अपना आप वार दिता ते समुची लुकाई नूं सर्ब सांझीवालता दा सुनेहा दिता। अज असी अजिहे मुश्किल दौर चों लंघ रहे हां जिथे सानूं इक दूजे दे साथ सहयोग दी सख्त लोड़ है। अजेही औखी घड़ी विच एक दूजे दी मदद करन तो पिछे ना हटो। आओ कोरोना वायरस महामारी दे मद्देनजर अपने अपने घरां च रह के गुरु साहिब जी दा एक गुरपुरब मनाइए। 1 मई सवेरे 11:45 ते सरबत दे भले दी अरदास करिए। पंजाब सरकार वालों 1 मई सवेरे 11 बजे तो गुरमत संगीत ते शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण पंजाब सरकार दे फेसबुक पेज ते कीता जा रहा है।